नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं कुत्ते को भौंकना सिखाओगे तो वो तुम्हें ही काटने को दौड़ेगा। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। आतंक को जन्म देने वाला आका अब खुद ही आतंकियों के डर के साए में जी रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवादियों की शरण कहां बने पाकिस्तान के टुकड़े होने की अफगानिस्तान में नींव रखी जाने लगी है। ये नींव किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस हिमायती अफगानी तालिबान ने रखी है जिसने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तख्ता पलटकर सत्ता काबिज कर ली है। अफगान तालिबानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के सबसे बड़े संगठन में से एक तहरीके तालिबान ने खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान की आजादी का रोड मैप भी अब तैयार कर लिया है। इसके लिए बाकायदा 8 टॉप कमांडर की तैनाती भी कर दी गई है। बीते दिनों से काबुल में अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान के साथ पाकिस्तान में मुजाहिदों की नई फौज तैयार करने के लिए लगातार बैठकें भी चल रही हैं। पाकिस्तान को अपने देश के टुकड़े होने का डर अब सताने लगा है और ये डर जायज भी है क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के कुछ दिनों बाद जैसे ही तहरीके तालिबान के मौलवी फकीर को रिहा किया गया तो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठनों में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि रिहा होने के बाद मौलवी फकीर ने अपने कमांडरों को संबोधित किया और इस दौरान उसने इस बात पर जोर दिया कि अब पाकिस्तान में काफिर की व्यवस्था को बदलना होगा। इसके साथ ही सभी संसाधन इन आतंकवादियों को मुहैया कराए जाएंगे। खुफिया सूत्रों की माने तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा की आजादी के नाम पर पूरे देश में तबाही मचाने का रोड मैप 9 आतंकवादियों को सौंपा गया है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शह पर अफगानिस्तान की पुरानी सरकार ने जेलों में बंद कर रखा था, लेकिन अफगानिस्तान में तख्ता पलट होते ही तालिबानी आतंकियों ने तहरीके तालिबान के संस्थापक बैतुल्ला मसूद के दाहिने हाथ रहे और उनके ड्राइवर कमांडर जॉली को अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद तालिबान ने उन्हें रिहा कर दिया है। इसके बाद कमांडर वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, हमीदुल्ला महसूद और इसी के साथ डॉक्टर हमीद महसूद और जो तमाम आतंकवादी हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है। वहीं विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की गुजारिश के बाद भी अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसका सीधा और स्पष्ट संदेश है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। या यूं कहा जाए कि आतंकवाद को जन्म देने वाला अब्बा अब अपने ही बिगड़ी औलादों से परेशान होने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।